आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है ये हमने टॉपिक इस जनरेट किया है कि मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो वो बहुत सारे पेरेंट्स का जिनके बच्चे तरीबन आठ से नौ साल के होते हैं या दस साल के होते हैं पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्नड होते हैं कि उनके बच्चों के सामने वाले ऊपर वाले दांतों के दरमियान में गैप्स आ रहे होते हैं Uh, अब उनको परेशानी ये होती है कि वो गैप्स क्या ख़ुद ब खुद ठीक हो जाएंगे या नहीं होंगे क्या ब्रेसेस लगवाने पड़ेंगे या लाइनर्स करवाने पड़ेंगे सो so उसके लिए uh, छोटी सी हम ये वीडियो बना रहे हैं इसमें आपको हम इनफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि ये जो गैप्स डिवेलप होते हैं दिस इज़ टोटली नॉर्मल होता ये है ये टिपिकली आठ से नौ साल की एज में होते हैं आ, ये दरमियान में गैप बन जाता है और ये खुद ब खुद करेक्ट हो जाते हैं वक्त के साथ साथ और वो कैसे करेक्ट होते हैं मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ सो so, होता ये है कि जब हमारे बच बच्च, बच्चों के परमानेंट दांत बन रहे होते हैं चार दांत फ्रंट के ऊपर वाले निकल आते हैं जो के नाइन्स होते हैं जिनको हम आम जबान में कील कहते हैं गोश्त वाला दांत कहते हैं या के नाइन जिसको बोला जाता है ये के नाइन दांत जो हैं ये निकलना जब शुरू होते हैं तो वट दे डज़ ये इन दांतों को पुश करते हैं और पुश करने की वजह से इन दैट केस नीचे गैप्स डेवलप हो जाते हैं एज यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे यहाँ पे अभी ऐसा ऐसा और गैप डेवलप हो जाएंगे इन गैप्स की बनने की वजह से हमें लगता है कि ये बच्चों का कोई सीरियस मसला हो गया है और हमें ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे लाइंस लगाने पड़ेंगे हालांकि कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है ये तकरीबन जब बच्चे 11, 12 साल के या 13 साल के जब होते हैं तब तक जाते जाते ये दांत मसला हल हो जाता है वो कैसे हल होता है कि ये दांत जो हैं जो के नाइन्स हैं वो नीचे आना शुरू कर देंगे इस तरीके से दोबारा दिखाते हैं इसको ये नीचे आएंगे एंड देन वो पुश करके इनके दरमियान में गैप्स कंप्लीट हो जाएंगे सो दिस इज़ टोटली नॉर्मल आपने कभी भी अगर आपके बच्चों को इस तरह से कभी uh, गैप्स क्रिएट हों तो आपने परेशान नहीं होना आ, ये ख़ुद ब खुद सेल्फ करेक्टिव होता है आ, दूसरा एक और मैं आपको इसमें इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसी एज होती है जिसमें बहुत सारे डेंटल इश्यूज हम फ्यूचर के लिए करेक्ट कर सकते हैं आ, ऐसा भी कर सकते हैं हम कि जिसमें हम आ, बच्चों की कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स कर देते हैं जिससे फ्यूचर में उनको बेसिस की जरूरत ही नहीं रहती सो so, अगर आपका बच्चा इस एज के ब्रैकेट में लाइक करता है तो आपने ये नहीं सोचना कि मैंने डेंटिस्ट को चेक नहीं करवाना अभी तो बच्चा छोटा है आपने डेंटिस्ट को रेगुलरली चेक करवाना है लाजमी ताकि बच्चे फ्यूचर के लिए अपने दांतों को सेव कर सकें और एक दफ़ा उन्हीं सेज में अगर उनके दांत अच्छे ट्रीट हो जाए तो लाइफ टाइम उनको मोस्टली लाइफ टाइम उनको कोई डेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती और, आ, और हो सकता है उनको ब्रेसिस की जरूरत भी ना पड़े